नमस्कार दोस्तों, मैं वेदिका राजपूत स्वागत करती हूँ आपके अपने सुप्रीम भवानी चैनल पर। समझौता नहीं बाहर चाहिए। सुप्रीम भवानी को आपसे मेरे प्यार और स्नेह के लिए सुप्रीम भवानी के लिए मैं आपकी आभारी हूँ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों से। उकवा क्षेत्र के ग्राम माता मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया अष्टमी का भोग। बालाघाट उकवा में 2 अप्रैल से प्रारंभ चैत्र नवरात्रा जो कि उकवा क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के तहत प्रतिदिन पूजा अर्चना आरती भंडारा वितरण किया गया। वहीं उकवा बस स्टैंड स्थापित काली माँ मंदिर, दुर्गा माँ मंदिर, भैर माता माँ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा प्रतिदिन आकर पूजा अर्चना कर भोग लगाने का कार्य किया गया एवं अपनी अपनी मन्नतें मांगी गई। इसी तरह अष्टमी के दिन क्षेत्र के श्रद्धालुओं के द्वारा भोग एवं भंडारा वितरण किया गया। वहीं काली माता मंदिर में हवन पूजन भी किया गया, जहां एक श्रद्धालु महेंद्र राउत ठेकेदार के द्वारा सुबह 12 बजे से लेकर शाम तक माता रानी के आशीर्वाद से भंडारा वितरण किया गया एवं जानकारी में बताया गया कि माता रानी का दिया हुआ आशीर्वाद ही भंडारा कहलाता है। वहीं अष्टमी के दिन क्षेत्र के श्रद्धालुओं भक्तों के द्वारा मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते नजर आए खैर माता मंदिर। उकवा बस्ती में कुछ छत्तीसगढ़ के भी श्रद्धालु आए, जहां माता का आशीर्वाद ग्रहण किया एवं पूजा अर्चना की गई। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए बालाघाट के उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति उकवा के तत्वाधान में यहाँ पर चैत नवरात्र पर्व के अवसर पर यहाँ पर आरती, सुबह शाम पूजा वंदना सब की जा रही है और आज अष्टमी का दिन है। अष्टमी के दिन भक्तों के द्वारा यहाँ पर फुलावा वितरण किया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण जन लोग फुलावा लेते हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि फुलावा कौन बांट रहा है। हम उनसे पूछते हैं वो क्यों बांट रहा है फुलावा। बताइए क्यों फुलावा बांट रहे हैं आप? माता रानी की असीम कृपा के वजह से। आप बताइए जी, फुलावा बांट रहे हैं? कितने लोगों आनंद ले रहे हैं माता रानी की कृपा से। कितने लोगों को फुलावा देके हो गया है? बहुत लोगों को हो गया है। अच्छा, बहुत लोगों देके हो गया। चलो ठीक, आप बताइए फुलावा आपको मिला? जी। फुलावा क्या है? माता रानी का प्रसाद है। अच्छा, आज अष्टमी पर्व है। अष्टमी पर्व के दिन माता जी को क्या क्या भेंट चढ़ाया जाता है? खीर पूड़ी। और आप कितने वर्षों से यहाँ माता जी की सेवा कर रहे हो? 11 साल। क्या नाम लिखते हो? अच्छा। 2010 से चालू है। अच्छा, ये मंदिर कब से प्रसिद्ध है? ये तो नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? अच्छा, 2010 से क्या करते हो? अष्टमी का दिन है। अष्टमी के दिन आपके द्वारा माता रानी को प्रसन्न करने के लिए किस किस चीज़ का भोग लगाया जा रहा है? देखिए, आज दुर्गा अष्टमी है और अष्टमी में हम लोग के यहाँ बहुत विशेष पूजा होती है। हमारे घर में भी कुलदेवी पूजा होती है और हम जो हैं अपनी कुलदेवी के तरफ से, अपने घर के तरफ से प्रसाद चढ़ाने के लिए अपने यहाँ, हम लोग अभी हमारे ग्राम देवता का मंदिर है, यहाँ हम लोग सभी लोग भाई लोग आए हुए हैं। हम आज विशेष रूप से पूरी और खीर का भोग चढ़ाते हैं माता रानी को और पूर्ण श्रद्धा से समर्पित करते हैं माता को कि माता हमारी प्रार्थना सुने और स्वीकार करें और हमारी गलतियों को क्षमा करें और सब पर कृपा करें। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं निशांत चौक से रहने वाले का। रहने वाले यही।